हेलो किड्स, वेलकम टू रुतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, देखो आज मैं कहाँ का चित्र लेकर आई हूँ। देखो आपको कहाँ का चित्र लग रहा है यह? अब कुछ बच्चे तो कहेंगे कि मैम ये तो मेरे गांव का चित्र है, मेरे गांव की फोटो है यह, तो है ना बच्चों, है ना कुछ बच्चों के गांव जैसी फोटो। आपके गांव में क्या क्या है बच्चों? जो बच्चे गांव में रहते हैं बताओ मुझे। बहुत सारे पेड़ हैं, खेत भी हैं, और क्या क्या है? बहुत सारे मकान भी हैं, और कुछ झोपड़ियां भी हैं, और क्या क्या है? पशु भी है आपके गांव में। कौन कौन से पशु हैं? गाय, भैंस और बकरी, कुत्ते, बिल्लियां, और कौन कौन हैं? अच्छा, ट्रैक्टर भी है आपके गांव में, बहुत से लोगों के पास, वेरी गुड। एक नहर भी है आपके गांव में। अच्छा, उस नहर से क्या होता है, कभी आपने देखा है बच्चों? कुछ बच्चे उसमें नहाते हैं और उससे पानी आपके खेतों में भी जाता है। आपको तो बहुत कुछ पता है। जोड़ भी है आपके गांव में, उस जोड़ में क्या क्या होता है? आसपास के लोग उसमें अपनी भैंसों को नहलाने के लिए ले जाते हैं। आपको तो बहुत ज्यादा पता है अपने गांव के बारे में, सब कुछ ही बता दिया आपने। तो आपका किस किस का गांव इस चित्र में दिखाए गए गांव के जैसा है? तो चलो बच्चों, देखते हैं इस चित्र में दिखाए हुए गांव में क्या क्या है। हम ऊपर से शुरू करते हैं। देखो यहां पर पीछे क्या नजर आ रहा है? ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली, है ना, हरा हरा मैदान है, और यहाँ खेत हैं, और यहाँ एक झोपड़ी है, और ये देखो ये दो गायें, एक गाय चारा खा रही है, और यहाँ एक औरत खड़ी है। और क्या नजर आ रहा है? ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, और पेड़ के पास में एक नल भी लगा हुआ है। और देखो, अच्छा बच्चों ये बताओ, ये नल के आसपास ऐसे ये बाउंड्री क्यों की हुई है? अच्छा, ताकि पानी इधर उधर न बिखरे और सीधा यहां से होता हुआ नाली में चला जाए। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। और क्या है इस चित्र में? देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ ये दो आदमी इस ट्रैक्टर पर, और इस पर क्या है पीछे? चारा है, पशुओं के लिए चारा है। और क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? यहाँ देखो, चलो नीचे देखते हैं। यहाँ पर नीचे भी एक औरत है, देखो ये रही औरत। और इस औरत के हाव भाव से आपको कैसा लग रहा है? देखो, जैसे तो किसी को बुला रही है। किसको बुला रही है? यहां पर एक लड़का खड़ा है, उसे बुला रही है शायद, है ना। और यहां देखो, यहां एक दूध वाले अंकल भी हैं जो दूध देकर जाते हैं। देखो हाथ में उनके क्या है? उनके हाथ में दूध वाले बर्तन हैं, देखो। और यहाँ एक कुत्ता भी है। आपका गांव भी ऐसा ही है बच्चों? और क्या नजर आ रहा है? देखो यहाँ कितनी सफाई है ना गांव में, इधर उधर कूड़ा कचरा भी नहीं फैला हुआ। और क्या है यहाँ? और तो कुछ नहीं है, शांति है बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पर
गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, किसी की भीड़ भाड़ नहीं है। लोग भी कम ही नजर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कितना शांत वातावरण लग रहा है गांव का, कितना सुंदर हरा भरा वातावरण है गांव का। अच्छा लगता है आपको अपना गांव? गांव तो सभी को अच्छे लगते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक और चित्र दिखाती हूँ। यहाँ देखो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? चित्र आपको जाना पहचाना लग रहा है। कैसा लग रहा है? यह तो आपके शहर जैसा है। जो बच्चे शहर में रहते हैं उन्होंने पहचान लिया होगा कि यह चित्र तो उनके शहर जैसा लग रहा है ना बच्चों? सही कहा ना मैंने? तो क्या क्या नजर आया आपको शहर में? देखो, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, दो मंजिले, तीन मंजिले बिल्डिंग है, और क्या क्या है देखो, यहाँ तो सड़क पार करने के लिए पुल भी बना हुआ है, और बस है, गाड़ी है, ऑटो रिक्शा है, ट्रक है, साइकिल चला रहे हैं बच्चे, और यह बच्ची स्कूल जा रही है। पर देखो, ये इस सफेद पट्टी पर से होकर स्कूल क्यों जा रही है यह लड़की? देखो, यहाँ से भी तो जा सकती थी, यहीं से क्यों जा रही है? मैं बताऊं बच्चों आपको, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। आपने ज़ेब्रा देखा है ना, कैसा होता है? सफेद और काले रंग की धारियां होती है उस पर, है ना? इसी तरीके से इसमें भी सफेद और काले रंग की धारियां होती है, पट्टियां होती हैं, तो इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्रॉसिंग मतलब पार करने वाली जगह। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करते हैं। हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी है ना? इसीलिए यह लड़की यातायात के नियमों का पालन कर रही है। और देखो बच्चों, अरे ये देखो कितनी सुंदर लाइट है, और तीन रंग भी है इसमें तो। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे ट्रैफिक लाइट कहते हैं, और जब ये जलती बुझती है ना, इसी से ट्रैफिक मेंटेन होता है। गाड़ियाँ इसी के इशारे पर चलती हैं और रुकती हैं। और देखो यहाँ पर नीचे तो स्कूटर भी है। एक आदमी स्कूटर चला रहा है, और उसने सिर पर हेलमेट भी पहना है ना? क्यों पहना है हेलमेट? दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए अपने सिर की सेफ्टी के लिए। और क्या है यहाँ पर? ये देखो टेलीफोन बूथ। यहाँ पर बच्चों, पता है आपको कैसे फोन किया जाता है? यहाँ पर कॉइन डाला जाता है, मतलब सिक्का, और बात की जाती है, फोन मिल जाता है सिक्का डालते ही। और यह क्या है? ये लड़का क्या कर रहा है इसमें? देखो देखो, ये तो पत्र है इसके हाथ में, और यह लड़का इस पत्र को इस पत्र पेटी में डाल रहा है। यह पत्र पेटी है, यह लाल और काले रंग की होती है। और क्या है इस चित्र में? हमने कुछ छोड़ दिया बच्चों। देखो, ऊपर मैंने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया था कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ बस है, और बस के साथ में क्या है? ये बस स्टॉप। बस स्टॉप पर एक यात्री भी बैठा है, बस की वेट में, मतलब बस के इंतजार में। यह बस आई है और बस स्टॉप पर रुकी है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ एक स्टॉल है, और यह आदमी बैठा है। यह क्या कर रहा है? यह बच्चों किसी खाने के सामान की स्टॉल होगी, है ना?
और यहाँ क्या है? क्या आपने देखी है ऐसी मशीन कभी? ये किस चीज़ की मशीन है? ये पैसों की मशीन है। पता है आपको, पैसों की भी मशीन होती है। इसमें से पैसे निकलते हैं बहुत सारे, जितने हम कहेंगे उतने निकलते हैं। पर उसके लिए पता है क्या चाहिए? एटीएम कार्ड, हमारे बैंक का, जिस बैंक में खाता है हमारा, उस बैंक का एटीएम कार्ड हमारे पास होना चाहिए। और इस मशीन में वह एटीएम लगाते ही पैसे निकल आते हैं, जितने हम कहेंगे उतने। इसे कहते हैं एटीएम मशीन। और यहाँ देखो बच्चों, इतनी सारी बुक्स हैं। यह शायद पुस्तकालय है, लाइब्रेरी। और भी बहुत कुछ है शहर में। शहर में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है ना शहर में। ये देखो, ये जो ट्रक है ये सामान लेकर जा रहा है, बोरियां रखी हैं इसमें। तो हमने बच्चों शहर में कितना कुछ देखा। तो बच्चों देखो, अगर हम शहर और गांव दोनों की बात करें, आपस में इनकी तुलना करें, तो देखो आपको क्या अंतर नजर आ रहा है शहर में और गांव में। देखो गांव में कितनी शांति है ना, यहाँ पर भीड़ भड़ाका नहीं है और यहाँ वाहन भी बहुत कम है, सिर्फ एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है आपको, है ना। और यहाँ शहर में कितनी भीड़ भाड़ है ना, कितने सारे वाहन है, कितने सारे वाहन। और जितने सारे वाहन होंगे उतना ही प्रदूषण अधिक होगा। प्रदूषण कैसे फैलता है बच्चों? धुएं से। जो वाहनों से धुआं निकलता है ना काला काला, उससे प्रदूषण फैलता है और हमारा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। तो देखो गांव का वातावरण कितना स्वच्छ है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। और शहर का वातावरण प्रदूषण भरा है, कितना प्रदूषित वातावरण है। और देखो अगर हम सुविधाओं की बात करें, तो शहर में गांव से अधिक सुविधा है। जैसे देखो एटीएम मशीन है, लाइब्रेरी है, और बस स्टॉप है जहां पर बस आकर रुकती भी है। और क्या है, यहां पर नियम भी गांव से ज़्यादा है। देखो जैसे यह ट्रैफिक लाइट है जो कि वाहनों को अपने इशारे पर चलाती है और रोकती है। और देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है सड़क पार करने के लिए। और सुविधाओं की बात करें तो देखो यह टेलीफोन बूथ है, यह पत्र पेटी है, बहुत कुछ है शहरों में। तो शहरों में गांव से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, है ना बच्चों। तो ये सब अंतर है गांव में और शहर में। तो बच्चों आज हमने बातें की है आपके परिवेश के बारे में। परिवेश क्या होता है? जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसी को परिवेश कहते हैं। हमने गांव और शहरों के बारे में बातें की। आज हमने जो बातें की है ये सभी बातें आप अपने परिवार के सदस्यों से भी करना और अपने फ्रेंड से भी इसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। मतलब इसके बारे में बातें करना कि शहर ज़्यादा अच्छे होते हैं या गांव ज़्यादा अच्छे होते हैं, और आपको क्या ज़्यादा पसंद है, गांव या शहर। तो बच्चों आज इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।